दोस्तों, इस पहेली में आपको ये बताना है कि इन तीनों में से भूख किसको लग रही है, राम को, मोहन को या फिर विशाल को। तो ध्यान से देखिए और अपना आंसर मुझे कमेंट कीजिए। दोस्तों, अगर आपने अच्छे से देखा होगा तो आपको इसका आंसर पता चल ही गया होगा। इन तीनों में से भूख मोहन को लग रही है, क्योंकि अगर आपने देखा होगा कि जो लैपटॉप है उसमें ऑर्डर कंफर्म लिख रहा है और नीचे मोहन लिखा हुआ है, यानी कि मोहन को भूख लग रही है तभी उसने पिज्ज़ा ऑर्डर किया है। दोस्तों, इन तीनों फ़ोन में से जो सी वाला फ़ोन है वो ठीक है और जो ए और बी फ़ोन है वो ख़राब है। और दोस्तों, अब मैं इन तीनों फ़ोन की पोजीशन चेंज करूँगा, जिसके बाद आपको ये बताना है कि कौन से वाला फ़ोन ठीक है। तो ध्यान से देखते रहिए। दोस्तों, अब बताइए कि इन तीनों में से कौन से वाला फ़ोन ठीक है। इन तीनों में से फ़ोन ए वाला ठीक है। दोस्तों, अब इस पहेली में आपको ये बताना है कि इन दोनों में से ऐतिहासिक चीज़ें कौन बेच रहा है। हिंट के तौर पर मैं आपको पास से दिखाता हूँ, ये ए की पिक्चर है और ये बी की। दोस्तों, इन दोनों में से ऐतिहासिक चीज़ें ए वाला आदमी बेच रहा है, क्योंकि अगर आपने देखा होगा कि जो उसके पास चीज़ें हैं वो पुरानी हैं, यानी कि टूटी हुई हैं और उन पर मट्टी लगी हुई है, यानी कि ऐतिहासिक चीज़ें ए वाला बेच रहा है। दोस्तों, अब इन सभी पिक्चरों को आपको ध्यान से देखना है। और दोस्तों, अब इन सभी पिक्चरों को ध्यान से देखकर बताइए कि आपने कौन से वाली पिक्चर नहीं देखी थी। दोस्तों, आपने सन ग्लासेस की पिक्चर नहीं देखी थी। दोस्तों, अब आपको इन दोनों पिक्चर को ध्यान से देखना है और एक वेजिटेबल का नाम गैस करना है, जिसके लिए आपका समय शुरू होता है अब। इसका आंसर जो है वो बैगन है, क्योंकि आपने देखा होगा कि जो पहली पिक्चर है वो बैग की है और जो दूसरी पिक्चर है वो गन की है। दोस्तों, अब आपको चार शेडो दी गई हैं और एक कलर्ड पिक्चर दी गई है, जो कि कलर्ड पिक्चर है वो पैरट की है। तो आपको उस पैरट की पिक्चर को ध्यान से देखना है, बताना है कि इन चारों शेडो में से इस कलर्ड पिक्चर की रियल शेडो कौन से वाली है। दोस्तों, अगर आपने अच्छे से देखा होगा तो आपको इसका आंसर पता चल ही गया होगा। इन चारों में से जो बी वाली शैडो है वो पैरट की रियल शैडो है।